बाय द वे आंटी किसे कहा है? यार तो अंधा होता है, फिर बाद में आंखें निकल आती हैं। मेरी कमर पे फिदा है। अगर मैं लड़का होती तो इन्हें जरूर छेड़ती। मेरे में आपको क्या पसंद आया? आपकी एक बालिश कमर। खतरनाक आंटी लग रही है मुझे। इतनी मजे की चीजें यहाँ पे मैं देख रही हूँ। आप कम मजे की हैं, आप भी तो खुद इतनी मजे की हैं। हमारे पास सिर्फ चीजें ही मजे की हैं, आप पूरी ऑलरेडी मजे की हैं। लेकिन जी मैं मजे की हूँ, आज मुझे पता चला है, आशी ने बताया मुझे। मैंने खा के देखा। ना ना, ये ना कहे, ऐसे बुरे बुरे कमेंट्स आएंगे ना। हमारे साथ बहुत ही हसीन आंटी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बाय द वे आंटी किसे कहा है? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? बहुत प्यारी लड़की है यार हमारे साथ मौजूद, इनसे बात करते हैं। कह सकती हैं आप? सही है। हाँ आप ठीक है। अच्छा वैसे लड़कियाँ क्यों मतलब इतना करती हैं कि उनको आंटी नहीं कहना? कैमरा में देखेंगे किस एंगल से आंटी लगती हैं। नहीं लगती, वो तो मैंने आपको तंग करने के लिए कहा। अच्छा फिर ठीक है। लेकिन देखिए क्यों मतलब लड़कियाँ इतना क्यों अनॉइंग हो जाती हैं? तो आप उनकी उम्र घटाएंगे तो वो तो होंगी ना। लड़कियाँ क्यों 10-12 साल तक 16 की ही होती हैं? मतलब जब भी बर्थडे आता है मैं 16 की हो गई हूँ, वो दिन वहीं पे रुक जाता है। पार कोई और रास्ता है? लड़कियों के बर्थडे पे दिन रुक जाता है। हाँ वहीं रुक जाता है, 19 से बढ़ता ही नहीं है। 19 से नहीं बढ़ता। अच्छा किस एज में जाके लड़कियों को आंटी कहना चाहिए? किसी एज में नहीं आंटी कहना ही नहीं चाहिए। इसको डिक्शनरी से निकाल भी निकल जाए ना आंटी मत कहें। इस वर्ड को डिक्शनरी से निकाल दिया जाए ऐसा। हाँ जी हाँ जी, जबरदस्त हो गया। वैसे मैंने जितने भी लोगों से पूछा वो यही कहते हैं कि आंटी नहीं बुलाना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गैर जरूरी है। एब्सोल्युटली नॉट। जी जी। अच्छा मुझे बताएंगे क्या नाम है आपका? आशी। आशी कितना प्यारा नाम है। ये रियल नेम है या निक नेम बता रही हैं? कैमरा में भी देखे ना, रियल है। हम चाहते हैं आपकी खूबसूरती जो है ना दुनिया देखे, इसलिए हम चाहते हैं आप कैमरा में देखे। अच्छा आप आज पता चला मैं खूबसूरत हूँ? नहीं सीरियसली प्यारी। शुक्रिया। आज तक किसी ने तारीफ नहीं की? की है। तो फिर आपने क्यों कहा कि आज मुझे पता चला मैं प्यारी? बस आपके मुँह से। अच्छा अच्छा, पहले जो प्यारा बंदा वो दूसरे को प्यारा कहे वो समझ नहीं आती। हाँ वैसे ये तो है, और लड़कियाँ बहुत कम होती हैं जो किसी दूसरी लड़की की तारीफ करें। हाँ जी ऐसे ही। क्या वजह है? बस जिनका पता लेना देना भी नहीं होता किसी से वो भी नहीं तारीफ करती। बस ऐसा ही है, वो कोई अपनी खूबसूरती के आगे टिकने नहीं देती। हाँ भाई। आहा क्या बात है। तो पहले कौन तारीफें करता है आपकी? मेरे बेटे। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। तो उनके जो बाप है वो थोड़ा सा जेलस फील करते हैं कि बेटे तारीफ कर रहे हैं? नहीं नहीं, कि मैं मेरे से ज़्यादा मेरी वाइफ प्यारी है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कहीं आप जाते हैं तो कहते होंगे कि आपके हस्बैंड नहीं ये आपके हस्बैंड? हाँ ऐसे ही, ऐसे ही है। तो किस शादी? लव मैरिज हुई थी? अरेंज लव? लव हुई थी। प्यार तो अंधा होता है, फिर बाद में आँखें निकल आती हैं। एक दो नहीं, काफ़ी सारी। कितनी देर बाद आँखें खुली? 6 महीने बाद ही खुल जाती है। 6 महीने बाद ही खुल जाती है? ऐसा क्या हुआ था कि आँखें खुल गई? पहले जब वो पानी पी, मैं उन्हें पानी देती थी तो वो कहते थे कोक का टेस्ट आ रहा है। तो जब मैं कोक देती थी ना शादी के बाद, वो कहते थे पानी का टेस्ट भी नहीं है। अजीब अजीब बातें हैं कसम से यार, अजीब लॉजिक। शादी के बाद लाइफ ही अजीब हो जाती है। मतलब कि आप ये समझती हैं कि शादी से पहले वाली ज़िंदगी इतनी अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन शादी के बाद वाली ज़िंदगी अच्छी नहीं? बस जी गुजारा है, गुजारा है। और जब आपने स्पेशली खुद ही अपना मियाँ या मतलब पार्टनर ढूंढा हो फिर तो ज़्यादा, वो आप किसी को कुछ कह भी नहीं सकते। बस जी, ना रो सकते हैं ना बता सकते हैं। फिर क्या करते हैं आप? मजबूरी। मजबूरी का नाम शुक्रिया, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। अच्छा मुझे बताएं कि आशी उन्होंने प्रपोज किया था या किसने? उन्होंने कैसे? बस अजीब सी सिचुएशन। उन्होंने क्या डायलॉग आके ऐसा बोला कि आशी साहब वहाँ ही पिघल गई? कुछ खास नहीं। कुछ आम बता दें। इसको छोड़ दें। इस टॉपिक को छोड़ दो। अरे चलिए मुझे इसके अलावा बताएं कि आशी आप में हिडन टैलेंट क्या है? मतलब गाना गा लेती हैं, पोइट्री कर लेती हैं, बेवकूफ़ अच्छा बना लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने मेरे कैमरा मैन को बेवकूफ़ बनाना है तो रेडी बनाने की क्या ज़रूरत है? ये तो देखो वाजिद जुकते भी बड़ी अच्छी लगाती हैं। अच्छा जी ज़बरदस्त हो गया। यानी गाना नहीं गाती आप? बिल्कुल नहीं। कोई पसंदीदा गाना कौन सा है? कोई भी नहीं गाना पसंद ना। गाने सुनती ही नहीं आप? सुनती हूँ।
तो कौन सा पसंद है? बस छोड़ दें, कोई बताना हर बात को जरूरी है? हर बात का बताना जरूरी है, जो मैं पूछूं वो बताना जरूरी है। चले मैं आपसे पूछती हूँ, आपको कौन सा पसंद है? मैं भी कंफ्यूज हूँ। बोले अच्छा ऐसा होता है कि एट अ टाइम शायद याद नहीं आ रहा होता। नहीं नहीं आप अपने बारे में बताएं। वो मैं कहना आजकल तो मुझे एक ही लाइन जुबान पे आई हुई है, आ नहीं पड़ा सजना जालिम है दिल की लगी। आजकल सिर्फ एक लाइन मेरे जुबान पे है, वो यही है। इसके आगे लगी क्यों लग रही है आपको? पता है सर्दियाँ चल रही हैं तो मैं तो दुखी दुखी पता नहीं क्यों हो जाती हूँ ऐसे ही सर्दियों में। तो आप इस तरह फिरेंगे तो दुखी दुखी ही लगेंगे, अंदर से ठंड लग रही है आपको। देखा धीरे धीरे सींग निकलने शुरू हो गए। मैं मानती हूँ मेरे अंदर थोड़ा सा मरासियात पाई जाती है, बट इतनी भी नहीं कि मुझे अब ठंड लगना शुरू हो जाए। आज तो ठंड भी नहीं है। ठंड नहीं है? नहीं। चलो मान लेते हैं। शाल ओढ़ी हुई है, क्या करें बुढ़े हैं। अभी आपने कहा मुझे आंटी भी ना बुलाओ, अभी आप आ गई एक मिनट में कि मैं बुढ़ी हूँ। हाँ ना ऐसे ना करें। जब दो या एक बेटी या बेटा हो जाए तो चाहे वो 16 साल की बच्ची क्यों ना हो वो आंटी बन जाती है। चलिए अब आगे असली आंसर के कब आंटी कहना चाहिए। नहीं मैं फिर भी नहीं कहूँगी। आप भी मुझे आंटी कह सकती हैं, वो तो मैंने एक के तौर पे कहा। मैं नहीं कहूँगी, मैं आशी इतना प्यारा नाम है, आशी ही बुलाऊंगी। चले जी आपका शुक्रिया। अच्छा आपके फेस फीचर्स में कौन सा ऐसा फीचर है जो आपका फेवरेट है? कुछ नहीं याद नहीं है। आंखें पसंद है, नाक पसंद है, गाल पसंद है, होंठ पसंद है? मेरी मम्मा को मेरी आंखें पसंद थी। आंखें पसंद थी? अल्लाह मम्मा नहीं वो चली गई दुनिया से। सॉरी और आंखें पसंद है, और कौन कौन इन आंखों पे फिदा हुआ है? जवानी की बात कर रही हूँ। कोई भी नहीं अभी तक तो। आप हंसी हैं, इस मुस्कुराहट के पीछे काफ़ी ज़्यादा राज छुपे हुए हैं। तो राज ही रहे तो बेहतर है। पर्दा ना उठाओ, पर्दा ही रहने दो, पर्दा ना उठाओ। चाशी अब मुझे कोई प्यारा सा शेर सुना दे। मैं प्यार लिखती रही वो प्यास कटता रहा। प्यास पड़ता रहा मुझे नहीं आता। यहाँ आपकी मैं प्यार कमर पे फिदा हूँ। मैं क्या कमर पे? बहुत अच्छा लगेगा मुझे। नहीं ये कह रही है कि ये मेरी कमर पे फिदा है। अगर मैं लड़का होती तो इन्हें जरूर छेड़ती। कोई सेंसेस बात की। मेरे में आपको क्या पसंद आया? आपकी एक बालिश कमर। एक बालिश? जी बालिश का मतलब क्या है? एक गिट। अच्छा एक गिट कमर, इतनी भी बात नहीं है। इतनी है? अच्छा जी नाप लूंगी। खतरनाक आंटी लग रही है मुझे। मैं उठा भी सकती हूँ आपको? बाकी में उठा सकती हैं जी। उठा के दिखाएं फिर। क्या है पकड़ा है माइक ने? ये माइक मैं पकड़ाती हूँ वाजिद को। एक सेकंड वाजिद मैं देखना चाहती हूँ आंटी में कितनी ताकत। रहने देते आप, मैं आप मुझे आप पे भरोसा, आप उठा सकती हैं। तो कुछ खाया पिया करें ना, माइक के वजन से गिर जाएंगी। नहीं ऐसा नहीं है, पता है मैं बहुत खाती हूँ, बहुत ज़्यादा। लगता नहीं है? लगता नहीं है। लड़कियों का ये होता है खाए ना। मैं हलाल का ही समझ के खाती हूँ बट फिर भी नहीं लगता। फिर भी नहीं लगता? मैं मक्खन हर चीज़, ऐसा नहीं कि मैं डाइट कर रही होती हूँ। मुझे तो वो लोग ही जहर लगते हैं जो डाइट करते हैं। मैं फास्ट फूड खाती हूँ, देसी खाती हूँ, जो दिल में आए वो खाती हूँ। लगता है एक चम्मच चम्मच खाती हैं। पेट जब तक नहीं भरता तब तक नहीं छोड़ती। सिरिंजे भर के खाती हैं। बस आप किसी दिन हमारे घर आएँ फिर आप देखना मैं कितना खाती हूँ। खाया पिया इस तरह लगता है, इस तरह नहीं। वो मुझे लगता है शादी के बाद शायद लड़कियाँ ऐसी हो जाती हैं। नहीं मैं शुरू से ऐसी हूँ। अच्छा शुरू से ऐसी हैं, वो खानदानी भी तो चल रहा होता है ना। हाँ जी ऐसे ही है। अच्छा शेर सुनाए आप दोबारा से। शेर ना आता हो तो क्या करें। मैं प्यार लिखती रही वो प्यास पड़ता रहा। एक नुक्ते में सालन बन गया। एक नुक्ते में मेरी मोहब्बत का सालन बन गया। चलें जी खैर इसके अलावा मुझे बताएं, आपके पास इतनी मज़े की चीज़ें हैं यहाँ पे मैं देख रही हूँ, आप कम मज़े की हैं। ओह यार आप भी तो खुद इतनी मज़े की हैं, हमारे पास सिर्फ चीज़ें ही मज़े की हैं। आप पूरी ऑलरेडी मज़े की हैं। कैसे पता चलता है कि कोई इंसान मज़े का या कोई लड़की जैसे मज़े की है? जो इंसान सामने वाले को समझ जाए ना वो सबसे मज़े का होता है। अच्छा वैसे मुझे ऐसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स आज मिले हैं ना कि मैं बता ही नहीं सकती। चलो ना बताए। नहीं बताती लेकिन जी मैं मज़े की हूँ, आज मुझे पता चला है, आशी ने बताया मुझे। मैंने खा के देखा कितनी ऑसम है।
ना ना ये ना कहे, ऐसे बुरे बुरे कमेंट्स आएंगे ना सालन के साथ। अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला इज्जत महफूज करने वाला। नहीं नहीं, बच्ची बच्ची की तौर पे। जी मुझे मजा आया इनसे बात करके, बहुत शुक्रिया आपका और बहुत शुक्रिया। जीती रहो। हाँ जीती रहे। आमीन आमीन, थैंक यू सो मच।